तो ये अंदर का मंदिर का अंदर का दृश्य है भाई, चिंतपूर्णी माता का। है गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर टू इंडिया। तो भाई हम आ गए चिंतपूर्णी और माता करते हैं दर्शन और बताते हैं आपको उसकी हिस्ट्री। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं भाई, ये जो एक स्लिप लेनी पड़ती है तो यहाँ से अपना 1 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है, तो चल के कराते हैं दर्शन और बताते हैं आप लोगों को चिंतपूर्णी माता के बारे में कुछ। हर मंदिर की तरह यहाँ पे भी छोटी छोटी मार्केट है और प्रसाद मार्केट है। प्रसाद ले लिया यहाँ से, ये पचास है, पचास का ये अलग, पचास का आने के बाद देखते हैं। डाल दो इसमें अलग है, कितने रुपये में बताया जाता है चिंतपूर्णी देवी माता सती का ही रूप है। और कहानी कुछ इस प्रकार से है कि भगवान शिव की जो शादी माता सती से हुई थी, तो माता सती के पिता का नाम राजा दक्ष था, वो भगवान शिव को अपने बराबर का नहीं मानते थे। तो एक बार क्या हुआ, राजा दक्ष ने ना बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया और उसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को आमंत्रण नहीं भेजा। तो यह बात देखकर माता सती को ना बहुत ही क्रोध आया और वो वहाँ अपने पिता के पास जाने के लिए भगवान शिव से आग्रह करती है, लेकिन भगवान शिव ने ना वहाँ जाने से माता सती को मना किया। लेकिन माता सती के बार बार बोलने पर भगवान शिव ने उन्हें वहाँ पर भेज दिया। और जब माता सती वहाँ पहुँची तो माता सती को देखकर ना महाराज दक्ष को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने माता सती और भगवान शिव के बारे में बहुत ही भली बुरी बातें कही। तो इन बातों को मतलब माता सती को सहन नहीं हो पाई और वो जी हुई यज्ञ की आग में ही कूद कर उन्होंने अपनी जान दे दी। तो भगवान शिव को तब पता लगा, तो भगवान शिव ने उन्हें उसी हालत में निकाला और उसको लेकर तांडव करने लग गए। तो भाई पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। हाहाकार मचने से सारे बंदे जो हैं वो भगवान विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी को सारी बातें बताई। तो विष्णु जी ने अपना चक्रव्यूह से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए। तो जो जो टुकड़ा जहाँ जा गिरा वहाँ पर माता सती के नाम का मंदिर बनाया गया। और बताया जाता है कि चिंतपूर्णी माता पर जो है यहाँ पर चरण पादुका चिन्ह है, तो इसलिए भाई यहाँ पर माता सती का माता चिंतपूर्णी का मंदिर बनाया गया। तो ये कुछ थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी थी, आपको अच्छी लगी होगी। और बाकी मंदिर भी बहुत ही प्यारा बना हुआ है भाई। जय माता दी। अभी दर्शन तो हो गए जबरदस्त और पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा भाई। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ वो मैं बताता हूँ भाई। रात को अपना ये मान लो 9:30 बजे तक अपना काम मतलब एडिटिंग वेटिंग करके फिनिश करके आराम से सोने के लिए हो गए थे रेडी। लेकिन मेरे को नींद आई सुबह के 4 बजे। पूरी रात करवट लेके बदलता रहा भाई, पूरी रात कभी मोबाइल चला लिया कभी कुछ कर लिया। दूसरी प्रॉब्लम मेरे साथ आई, मेरा
एप्पल का जो नेट था वो यहाँ चल ही नहीं रहा। चलो ये कोई इतनी बड़ी खास प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा तीसरी प्रॉब्लम मेरे को ये आई कि मेरी गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो गई। अब फिर मैंने सोचा पहले दर्शन करके आते हैं माता के, उसके बाद फिर देखेंगे जाने के बाद। तो अब जाके दिखाते भाई गाड़ी चलेगी स्टार्ट होगी या क्या रहेगा, तो जाके बता करते हैं भाई। हेलो भाई जी, ये सरकारी पार्किंग है यहाँ पे और यहीं से स्लिप मिलती है और गाड़ी खड़ी थी अपनी सामने होती है। गाड़ी को पता नहीं अब क्या होगा, स्टार्ट हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी, देखते हैं एक बार फिर स्टार्ट करके। ऐसे कर रही हो जी, अभी देखते हैं कितनी देर बाद बंदा आएगा और गाड़ी स्टार्ट किस टाइम होगी पता नहीं। मेरे को जाना तो अपना नैना देवी टेंपल पे भी था लेकिन लग नहीं रहा मैं नैना देवी टेंपल जा पाऊँगा, क्योंकि अगर वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आ गई तो अब यहाँ से मैं सीधा घर के लिए गेयर निकालता हूँ भाई। देखते किस टाइम तक पहुँचते हैं। टेम्परेचर बाकी ठीक है, यहाँ पे धूप वगैरह निकली हुई है, टेम्परेचर भी ठीक है। अरे रुक जा तू, तो टेम्परेचर हो गया अपना यहाँ का भाई 12-13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ठीक है ज़्यादा वो नहीं है। ये भाई मैकेनिक आए हैं अभी, ये देखते हैं भाई गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें। पता नहीं कहाँ से क्या आवाज आ रही है, बैटरी बिल्कुल भी ना ले रही ना, ये डेड बैटरी, बैटरी प्रॉब्लम आ गई भाई गाड़ी। चलो गड्डी हो गई स्टार्ट अपनी, बैटरी लो हो गई थी एक बार तो पता नहीं क्या बात होगी। चलो भाई इन भाइयों ने हेल्प तो की। चलो ठीक है भाई जी, धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। चलो भाई अब निकलते हैं, अपनी करते हैं जर्नी को स्टार्ट फिर से। गाड़ी की हालत देखो भाई कितनी गंदी हो चुकी है गाड़ी की हालत। तो गाइस निकल लिए हम यहाँ से अपना चिंपूर्णी से और अभी ना टेम्परेचर हो चुका है 20 का, तो गर्मी वापस आ गई क्योंकि नीचे आ गए ना हिमाचल पहाड़ों से काफ़ी नीचे आ चुके भाई। जैसे कि आपको पता है कि भाई वापस आ रहे हैं घर की साइड, तो नांगल पहुँच के भाई और टाइम हो गया 12 का, काफ़ी गर्मी है 23 डिग्री टेम्परेचर और 1 दिसंबर हो चुका है आज तो भाई 12 टाइम हो चुका है, खाना कुछ नहीं खा लिया। अभी देखते हैं कोई अच्छा सा ढाबा, फिर आज खाना वहीं खाते हैं भाई, आज बनाने का मूड नहीं है बिल्कुल भी, आज खाना वहीं खाते हैं। भाई पंजाब क्रॉस कर दिया आपने और अभी अम्बाला आने वाला है, तो अभी रह गया 20 किलोमीटर के आसपास। अम्बाला के बाद फिर सीधा अपने तीन घंटे और करीबन टाइम हो चुका है 3:21 और शाम तक पहुँच जाऊँगा घर पे। तो कल के व्लॉग में आपको कीटू और मैं तो दिखूँगा ही, लेकिन कीटू जो शैतान है सबसे वो भी दिखेगी आप लोगों को। एवरेज देखो भाई गाड़ी की कितनी मस्त है 29.6 और टाइम हो चुका है 3:45 और भाई 6 बजे तक, ऑलमोस्ट 6 या 7 बजे तक सीधा करके होगा।